टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चार नगर धूम कंपाउंड के पास मरियम मंजिल में ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 1 में परिवार सोता रहा और घर के बाहर किसी ने आग लगा दी। एक बार नहीं बल्कि ये आग लगाने की कोशिश दो बार की गई, मगर गनीमत ये रही कि आग की जानकारी परिवार वालों को लग गई और आग बुझा दिया गया। ये आग घर के जंगले पर लगे पर्दे में लगाई गई थी। मरियम मंजिल के ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 1 में इरशाद अली शेख अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, जो काफ़ी बीमार हैं, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकते हैं। और जिस खिड़की में आग लगाई गई उसी खिड़की के पास ही इरशाद शेख हमेशा घर के अंदर उसी खिड़की के पास ही रहते हैं। उनका बेड वहीं पर है और सोना बैठना सब कुछ वो उसी बेड पर ही करते हैं। इरशाद अली शेख ने बताया कि 2 से 3 दिन पहले रात के समय किसी ने उनके घर के जंगले पर लगे हुए पर्दे में आग लगा दी, मगर काफ़ी धुआं होने की वजह से पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आफरीन है वो आग जलते हुए देखी और घर के अंदर सो रहे सभी लोगों को जगाया, जिसके बाद आग को बुझाई गई। गनीमत रही कि वक्त रहते आफरीन ने आग देख लिया, वरना ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। ग्राउंड फ्लोर पर इसके अलावा और भी कई रूम हैं, अगर आग भयानक रूप ले लेती तो रूम से बाहर निकलना भी इनका मुश्किल हो जाता। इस पहली आग की सदमे से अभी इरशाद अली का परिवार उभरा भी नहीं था कि कल रात के समय फिर किसी ने घर के जंगले पर लगे पर्दे में आग लगा दी। हालांकि आग लगाते हुए घर के अंदर से ही इरशाद अली की बेटी ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद आग लगाने वाला शख्स वहां से भाग गया। आनन फानन में आग बुझा दिया गया, मगर आग किसने लगाया इसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इस मरियम मंजिल में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं कि जिसकी वजह से आग लगाने वाले की पहचान हो सके। वहीं इरशाद अली ने बताया कि दो बार आग लगने की ये घटना हो चुकी है, जिसकी वजह से उनका परिवार काफ़ी डरा सहमा है कि कब कोई आकर उनके घर में आग लगा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस में इन्होंने अभी शिकायत नहीं दर्ज करवाई है क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन कहा है कि जल्द ही वो पुलिस में अपनी बीवी को भेजकर शिकायत दर्ज करवाएंगे। इस पूरे मामले में पड़ोस में रहने वाली लड़की आफरीन और इरशाद अली शेख ने क्या जानकारी दी है। इरशाद अली शेख है, मैं मरियम मंजिल ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 1 में रहता हूँ। यहाँ अभी परसों 2 दिन पहले मंगल की रात हमारे साथ ये हादसा हुआ। हम तो बेखबर थे घर में, वो पड़ोसन ने की नज़र पड़ी, उसने आवाज़ देकर दरवाज़ा ठोका ज़ोर से, हमको तो बुरा लगा इतनी ज़ोर से, लेकिन जब दरवाज़ा खुला देखा तो पर्दा जल रहा था हमारी खिड़की का, तो जल्दी से बच्चियों ने पानी वानी लेके उसको बुझाया और वो काफ़ी शोर शराबा हुआ और लोग भी आ गए, पड़ोसी भी आ गए, सब ने मिलकर इसकी मजम्मत की, इसके ख़िलाफ़ बात की और ये मुतालबा किया कि भाई CCTV लगाया जाए यहाँ पर, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। और कितनी बार हुआ थी जी, कितनी बार ये आग की घटना हो गई यहाँ? ये यानी 2 दिन पहले मंगल को हुई, फिर कल फिर हम लोग बैठे थे 9:30-10:30 के। अच्छा, दूसरी बार हाँ, दूसरी बार फिर जला रहा, तो दूसरी बार अल्लाह का करम ये हुआ कि नज़र बच्ची की पड़ गई तो उसने देख लिया, वो चिल्लाई तो वो भाग गया और मामूली सी आग पकड़ी और फिर बुझ गई आग। तो कौन लोग हैं जो इस तरह की ये तो किसी के बारे में कह ही नहीं सकते। अगर इस सिलसिले में पुलिस की सहायता मिल जाए। कंप्लेंट वगैरह की आपने? नहीं, अभी कंप्लेंट तो की नहीं है, लेकिन करने का इरादा है, कंप्लेंट करेंगे। क्या नाम है आपका? आफरीन। ये आग की घटना यहाँ पर जो हुई थी कैसे हुई थी, आपने देखा था? और आपका घर भी क्या पड़ोस में है यहीं पर? जी हाँ, मेरा घर पड़ोस में ही, मैं बाजू में रहती हूँ। मैं जब आई यहाँ पे तो यहाँ पे आग लगी हुई थी ऑलरेडी, और जो बंदा था वो भाग गया, कोई था लेकिन भाग गया, मुझे दिखाई नहीं दिया। और पड़ोस में ही मैं रहती हूँ, इधर आग लगी हुई थी, मैं लोगों का दरवाज़ा ठोक कर बोली कि देखो आग लगी है करके आपके घर में, तो फिर लोग ने आग बुझाई है करके। और मैं इससे पहले रह चुकी हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी मैं वापस रहने आ गई तो मेरे साथ ऐसा हादसा होने लगे, लाइटिंग काट के जा रहे हैं, दरवाज़ा ठोक रहा है, कोई कोई चप्पल उठा कर लेके जा रहा है, ये सब अभी अभी हो रहा है, पहले कुछ भी नहीं हुआ।
आप लोगों ने इसके कंप्लेंट वगैरह कुछ पुलिस स्टेशन में गए थे करने के? अभी कुछ भी नहीं करे, अभी नेक्स्ट सेकंड टाइम वापस से आग लगी है फिर से। अब वापस से आग लगी है तो अब तो जाना ही पड़ेगा।